वहां पे श्री जयरांगे जी भूख हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं, पर आज वो आरक्षण भी इनके नजरों में खटक रहा है। और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। जनता ने अस्वीकार किया पर आपके 400 पार का क्या हुआ? ये भी कहना चाहूंगी कि हार गए तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे, यही डरते रहेंगे कि सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। देशाच्या अर्थसंकल्पीय बजेट वर बोलताना प्रणिती शिंदे यांचं पहिलंच भाषण तुफान गाजलं। मराठा आरक्षणावर बोलताना प्रणिती शिंदे यांनी थेट जरांगे पाटलाचं नाव घेत या सरकारला आरक्षणाची चीड आहे असं म्हणत जोरदार हल्लाबोल केला। आम्ही हारलो असलो तरी आम्ही झोला उठाके भागेंगे नाही असं म्हणत नरेंद्र मोदींना देखील टोला लगावला। आमच्या अर्थमंत्री म्हणतात कांद्याचे भाव वाढले तर वाढू द्या, मी कांदे खात नाही, अशा आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री आहे। यांना फक्त देशात अराजकता, हिंदू मुस्लिम आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यावर ईडीच्या धाडी टाकायला जमतं असं म्हणत प्रणिती शिंदे यांनी लोकसभा चांगलीच गाजवली। बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में है पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है या फिर बीजेपी हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि बीजेपी और उनकी नीतियाँ की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है, पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला, पर आज वो आरक्षण भी इनके नज़रों में खटक रहा है। इसीलिए सभी सरकारी और निम सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ। और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। अध्यक्ष महोदय, कल के स्पीच में आंध्र प्रदेश और बिहार के ऊपर बहुत प्यार जताया गया, मुझे उस बात से कोई कंप्लेंट नहीं है, पर महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों? क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरफ उतना ही प्यार जताया गया जो बिहार और आंध्र प्रदेश के जताया गया? क्यों? क्योंकि उनको पिछले लोकसभा में कम सीटें मिली, या शायद उनको अंदाज़ा आया कि आने वाले इलेक्शन में उनको वो चुनाव हारने वाले हैं।
मैं वित्त मंत्री को बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज की नींव महाराष्ट्र में रखी गई थी। कणखर देशा, राकट देशा, दगड़ाचा देशा, महाराष्ट्र देशा, ये हमारे प्यारे महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है। लेकिन अफसोस है कि महाराष्ट्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र का इस्तेमाल किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, कि बीजेपी विपक्ष की अवहेलना कर रही है कि हमें इतनी सीट्स मिली, जनता ने अस्वीकार किया, पर आपके 400 पार का क्या हुआ? पर मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हम स्वीकार करते हैं कि सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट्स नहीं जीत पाए। हाँ, हम हमारी बातें जनता को बेहतर तरीके से शायद नहीं समझा पाए, लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि हार गए तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे, यही डटे रहेंगे। एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए और इस देश के जनता के लिए। महोदया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया, उस संविधान के तहत भारत देश में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो काफ़ी सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में अभी फिलहाल मराठा आरक्षण के लिए, धनगर आरक्षण के लिए लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वहाँ पे श्री जरांगे जी भूख हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं। धनगर हमारे जो भाई है वो ST में आने की, शामिल होने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार तनाव बढ़ा रहा है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों BJP के हैं, क्यों ना निगोसिएशन करके इसके ऊपर हल कर रहे हैं? क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है और मेरी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण के ऊपर बात करे, समस्या हल करे, और जल्द से जल्द, जैसे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए हैं कि कास्ट सेंसिस होनी चाहिए। महिला आरक्षण का बिल पास किया लेकिन अभी तक कास्ट सेंसिस नहीं हुआ है। जब तक कास्ट सेंसिस नहीं होता है तभी हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ सरकार से कि कास्ट सेंसिस जल्द से जल्द हो जाए और मराठा धनगर आरक्षण मिल जाए और हमारी महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। और आखिरी कुछ अब कह के मैं समाप्त करना चाहूंगी कि सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग। सत्ता की लालच में ना फैलाओ समाज में ध्रुवीकरण का रोग, आपकी हस्ती मिटा देंगे हम भारत के लोग। जय हिंद, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। या वीडियो वर तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की लिया आणि व्हायरल मराठी चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका।